जो भी वद आने का हव हाय उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि प्रेस इंफॉर्मेशन न्यूज नहीं कर दानी वाद। कोई तालमेल बिठा कर हम कर ले तो साथ साथ ही ये हो सकता है हमारी ओर से फीडबैक आपको मिल जाए, आपकी टीम को हमारे साथ जोड़ दिया जाए, क्या कुछ इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो जाना ही है। मैं तो कल ही निकल रहा हूँ, कल ही मैं मुंबई से गोवा की ओर के कोस्टल पे इस यात्रा में जाने वाला हूँ। मैं गुजरात से इनको प्रारंभ किया है, मांडवी से, और ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट दोनों को हम पूरे इसमें देखने की कोशिश में हैं। तो अभी ये इस कार्यक्रम के साथ, इसमें आपके ये अभ्यास ग्रुप के साथ कोई हमारा तालमेल हो सकता है तो उसके बारे में भी हमें देख लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इसमें, वैसे भी मैंने जैसे जिक्र किया कि मार्केटिंग का ये हमारा मेन फोकस है, और भी जो टेक्नोलॉजी के बारे में है और मॉनिटरिंग के बारे में, सभी एस्पेक्ट महत्वपूर्ण है, इसी में कोई दो राय नहीं है। मगर मार्केटिंग को मैं वैसे भी थ्रस्ट इसलिए देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक कहावत जैसा हो गया है कि कहीं भी कुछ अस्व्यस्तता है, कुछ गड़बड़े हैं, कुछ गंदगी है, तो इसी को लोग ऐसे मुहावरे में बोलते हैं, क्या फिश मार्केट बना के रखा है। तो अभी इसको ये टाइटल से हटाना है, ये निकालना है कि ये फिश मार्केट मतलब देखने जैसी चीज होनी चाहिए। इतना अच्छा कारोबार देने वाला, इतना अच्छा फूड सिक्योरिटी देने वाला ऐसा एरिया जो है, इतना अच्छा आजीविका देने वाला और इतना पुराना ट्रेडिशनल हमारा ये व्यवसाय है, उसके साथ इस प्रकार का गलत मुहावरा जो है वो अब हमें निकाल देना चाहिए। इसके बारे में भी आप स्टडी करें। फिश मार्केट हो तो लोग ऐसे ही वहाँ खरीदना ना हो तो भी घूमने जाने का मन होना चाहिए, उस लेवल का हमें इसको बनाना चाहिए और इसी को किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, हमारे फिश सेक्टर में मैं घूमते समय जो दो तीन चीजें देखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। खास करके जो बुमला या इसको बॉम्बे डक, ऐसा कोई दो नाम है हमारे गुजरात के सी शोर वाले तो बुमला कहते हैं, मगर बॉम्बे के आसपास किसी को मैंने पूछा था तो उसको बॉम्बे डक बोलते हैं। क्या यदि जायजा लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ये समयबद्ध ये कार्यक्रम संपन्न हो ऐसी मैं अपेक्षा अवश्य रखूंगा। दूसरा, इनमें तीन जो सात में से बिंदु हैं वो शायद मार्केटिंग रिलेटेड हैं। आंध्र का मार्केटिंग है, जो अपनी बड़ी मार्केट्स हैं उनके बारे में है, और छोटे वेंडर्स के बारे में, तो कुल मिला के उन सभी का एरिया और कुछ स्केल को छोड़ दे तो मार्केटिंग ही है। तो तीन तो एक प्रकार से एक नेचर के बिंदु है, मुझे ऐसा लगता है। नायक जी और स्वयं जी, आप दोनों भी इस विषय पे बात कर ले तो इसमें इंटरनेशनल अच्छी प्रैक्टिसेस क्या है उसके बारे में भी हमें अभी एक बार स्टडी में जा ही रहे हैं मार्केटिंग के, तो फिर इसके बाद नया नहीं खोलना चाहिए, इसका भी इसमें आ जाना चाहिए कैसे करके इस तीनों को क्लब करके भी एक बना के, या इसको इसमें एडिशनल जोड़ना है तो जोड़ के भी, इसके बारे में भी हमें जानकारी हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक परफेक्ट ये अपना प्रोजेक्ट हमें काम में आ जाएगा। दूसरा, मैं स्वयं मंत्री के नाते एक बातें बता दी हैं और यहाँ से जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें बहुत ही विस्तार से इस विषय को रखा गया है। एक तो ये हमारे सबके संज्ञान में होना चाहिए कि इस सेक्टर को प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इसके महत्व को भांपते हुए स्वतंत्र मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया, और ये गठित होने के बाद उसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना करके बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया और उसको बजटीय समर्थन देते हुए उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और इन्हीं प्रयासों के कारण जो फिगर बताए जा रहे हैं कि अभी हम इसमें कितने आगे बढ़ रहे हैं, खास करके इन एक्सपोर्ट सेक्टर में और बाकी कार्य। फिर भी ये विभाग नया होने की वजह से और नई गतिविधियां, अभी हम ऐसे मोड़ पे हैं ऐसा कह सकते हैं, विभाग ही बन रहा है,